हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। यूट्यूब चैनल पर आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आज। अगर आप कोच का कोर्स करना चाहते हो और आप भी प्रोफेशनल कोच बनना चाहते हो, तो आपसे रिलेटेड ये तो खिलाड़ी होने के बाद कुछ बच्चे जो जॉब नहीं लग पाते, और या कुछ बच्चे कोच की फील्ड में जाना चाहते हैं स्टार्टिंग से ही, तो उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो की नॉलेज हर बच्चे को, हर खिलाड़ी को होनी चाहिए। इसलिए आपकी NIS डिप्लोमा क्वेश्चन पेपर, जब भी आप कोच का कोर्स करते हो, डिप्लोमा करते हो, तो उसमें आने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या क्या पार्ट डिवाइड किए होते हैं उसमें, कितनी जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, कितने सपोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे एक क्वेश्चन पेपर सेट के द्वारा। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आपकी लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें, और जो आपका क्वेश्चन सेट है बिल्कुल ऐसे ही आएगा प्रॉपर तरीके से। ये भी क्वेश्चन सेट है आपका NIS, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, NIS एथलेटिक्स एडमिशन टेस्ट। ये आपके एथलेटिक्स गेम है उससे रिलेटेड है, वो सेम रहेंगे, जनरल नॉलेज, कंप्यूटराइज, अदर हैं, लेकिन जो बीच में 10 क्वेश्चन आएंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो आपके अपने गेम के होंगे, एथलेटिक्स के, बैडमिंटन के, वॉलीबॉल के, कबड्डी के, रेसलिंग के, जो भी आपका गेम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी का फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और को शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका लिखा हुआ है टॉपिक सेक्शन 2 जनरल नॉलेज, ये आपके जनरल नॉलेज से है ये जो क्वेश्चन है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन अनाउंस्ड डैट ही सी विल बी हैंगिंग हिज हर बूट्स फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू सर्वे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI। हिंदी इंग्लिश का दोनों लैंग्वेज में आपको ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है मिलेगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हो क्वेश्चन पढ़ के। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने घोषणा की है, वह भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सक्रिय खेलों से संन्यास लेगा या लेगी। तो आपका जो आंसर है ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन में है जैसे आपके MCQ क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये जो ID लिखी हुई है, क्वेश्चन ID 104, तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर आपने एक बार दे दिया, जब आपका इनका रिजल्ट आएगा तो आपका ये नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, दीपा मलिक, मरियप्पन, ये ऐसे नाम नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ID मिलेंगी। 104 है ये जैसे क्वेश्चन की आंसर की है, जैसे 413, 414, 415, 416, ऐसे आपके ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ID आपकी करेक्ट होगी। एक साइड में जो आपने यहाँ पे ऑप्शन टिक किया है वो होगी आपकी ID, और दूसरी साइड जो करेक्ट आंसर होगा वो। अगर दोनों सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर अदरवाइज अलग है तो आपका क्वेश्चन गलत है, ये रिजल्ट आने के बाद की बात है। चलो अभी शुरू करते हैं। तो आपका पहला है दीपा मलिक, दूसरा है मरियप्पन संगावेलू, तीसरा है वरुण सिंह भट्टी बाठी, चौथा विराट कोहली। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दे, जनरल नॉलेज है ये तो आपको सबको पहले से ही याद होगी उम्मीद करता हूँ। तो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है दीपा मलिक। आप सब जानते हो दीपा मलिक हैं, ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के पहले मोबाइल ऐप का नाम क्या है, जो आपके मोबाइल में पहले नेशनल एंटी डोपिंग का ऐप चला गया है, वो जो पहली बार चला था स्टार्टिंग में जिस ऐप से हुई थी उसका नाम बताना आपको। एक हेल्थ इंडिया, दो नाडा इंडिया, तीन इंडिया एंडोप, चार इंडियन। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दे। आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है नाडा इंडिया।
जो आपका मोबाइल ऐप है वो नाडा इंडिया के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन, जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों की सीमा है, उसके बीच की रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दें, आप अपना आंसर नोट भी कर लें और कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए और कितने आपके गलत हुए। तो आपका आंसर है इंडिया और पाकिस्तान, जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफ डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, कोलकाता, गोवा, केरला, दिल्ली। आंसर है केरला, जो आपका केरला स्टेट है उसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार पहला मतलब सबसे पहले भारत में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर राज्यसभा का सदस्य है, सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दें, जो राज्यसभा के सदस्य हैं वे कैसे चुने जाते हैं ये आपको बताना है। तो आपका आंसर है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट है तो हिट है इंडिया इज ए प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर द फिटनेस ऑफ, फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम किसकी फिटनेस के लिए शुरू किया गया था, कॉलेज स्टूडेंट के लिए, स्कूल स्टूडेंट के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, वुमेन ओनली केवल महिलाओं के लिए। जल्दी जल्दी अपना आंसर दें, आपने सुना होगा फिट है तो हिट है इंडिया, ये आपने जरूर सुना होगा। तो आपका आंसर है नंबर दो, जो स्कूल स्टूडेंट है स्कूल के छात्रों के लिए है, क्योंकि जो हमारा बेस होता है स्कूल में, हमारा बेस अच्छा होगा तभी तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा। नेक्स्ट है, नासा एस्ट्रोनॉट हु रिटर्न्ड टू अर्थ आफ्टर रिकॉर्ड लॉन्ग स्टे इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज, हिंदी में नासा अंतरिक्ष यात्री जो फरवरी 2020 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रिकॉर्ड लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी पर लौटा। आपको बताना है जो नासा है उसका कौन सा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी पर लौटा है। तो उनका नाम है कल्पना चावला, लुका परमिन मिटानो, सी नंबर थ्री क्रिस्टन कोच, फोर अलेक्जेंडर स्कोवर्सो। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दें, तो आपका आंसर है क्रिस्टन कोच, इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज वोन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC कोचिज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मेल कैटेगरी फॉर द ईयर 2019, वर्ष 2019 के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्रशिक्षक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसको मिला है, ए पुलेला गोपीचंद, रमाकांत आचार्यकर, सौरव गांगुली। तो आपका आंसर है, जो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आईडी है वो आपकी 441 आईडी है, जो ऑप्शन आईडी आपकी वो बिल्कुल ठीक है, आपका नाम है पुपेला गोपीचंद। नेक्स्ट है, ब्रिटेन, यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान द G7 कंट्रीज इंक्लूडिंग, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और जापान के अलावा G7 मतलब जो 7 देशों में शामिल हैं और कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस और भारत, कनाडा, इटली और नीदरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और रूस, कनाडा, फ्रांस और इटली। जल्दी जल्दी बताएं,
तो आपका आंसर है कनाडा, फ्रांस, इटली। कनाडा, फ्रांस, इटली जो ऑप्शन आईडी आपकी है 448, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, नेम द आईआईटी विच हैज डिजाइंड वार बूट विच कैन डिलीवरी मेडिसिन एंड फूड टू कोविड-19 पेशेंट। आईआईटी का नाम बताइए जिसने वार बोट डिजाइन किया है जो कोविड-19 रोगियों को दवाइयां और भोजन दे सकता है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर। जल्दी जल्दी अपना आंसर दे, जो हमारे आपको सबका पता है जो कोरोना काल था बहुत ही खराब था हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो उसमें जो रोगी थे उनके लिए दवाइयां और भोजन देने के लिए जो पहल की थी वो किसने की थी, कौन सी आईआईटी ने की थी? तो आपका आंसर है आईआईटी रोपर। जो आईआईटी रोपर है उन्होंने ये पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका अब सेकंड टॉपिक हो गया है। जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन थे, जैसे कि हमने बताया था ये सेक्शन वाइज बांटे हुए हैं अलग अलग भागों में, फील्ड में। उसके बाद है जो टॉपिक सेक्शन टू, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होती है बेसिक तरीके से वो आपको बताने हैं क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस दैट यूज ए स्पेशल लिंक दैट कंटेन मैनेटाइजेबल प्रैक्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड आर। हिंदी में, इनपुट डिवाइस जिसमें एक व्यक्ति स्याही या का उपयोग किया जाता है जिसमें लोहे के ऑक्साइड के चुंबकीयशील कण होते हैं, खालिस्तान होते हैं। बताइए आपको खालिस्तान की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन एक ऑप्टिकल डिस्क, दो चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क, तीन MICR, चार मैग्नेटिक ड्राइव, चुंबकीय ड्राइव। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दे, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है वो तो लगभग सभी को पता होगी, अगर किसी को नहीं पता तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज के समय में कंप्यूटर के बिना कोई प्रोसेस नहीं होता है लाइफ में, ऑनलाइन हो गया सब कुछ। तो आपका आंसर है MICR, जो आपकी करेक्ट आईडी है 458, 3 नंबर ऑप्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इन्वेशन ऑफ खालिस्तान गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। खालिस्तान के आविष्कार के बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया, जो है मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, PDAS। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दें, आपका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइमिंग शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, सॉरी तीसरी नहीं है, पांचवी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। इन जो कंप्यूटर में अभी बताया है वो कौन सी पीढ़ी में यूज किया गया है? आपका आंसर है करेक्ट आईडी है जो आपकी फोर्थ चौथी पीढ़ी में इसमें इसका यूज किया है। नेक्स्ट है, ए प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस डेट सिंपली प्लग इन द पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज खालिस्तान। एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस जो केवल कंप्यूटर के पोर्ट में प्लग करता है, कौन सा है? फ्लैश ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, CD। आपका आंसर है फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर खालिस्तान पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, ट्रांजिस्टर, बायो चिप्स। जो आपकी दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? आपका आंसर है ट्रांजिस्टर। ये जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 3,
जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अगर आप कबड्डी, बैडमिंटन या किसी भी अदर फील्ड से, गेम से हो, तो आपके क्वेश्चन आएंगे, आपके गेम के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन आएंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट ऑफ शॉर्ट फुट फॉर मैन, पुरुष वर्ग में शॉर्ट फुट का वजन कितना होता है? 8.50 kg, 6.250 kg, 7.260 kg। फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है जो शॉर्ट फुट का, आप जानते हो इंडिया रिकॉर्ड है जो तेजेंद्र टूर का है, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है रैन क्राइजर का, जो फिलहाल उन्होंने बनाया है 23.56 मीटर का। तो आपका आंसर है 7.26 kg है, हमारे शॉर्ट फुट का वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ वुमेन जेवलिंग, महिलाएं हैं उनकी जेवलिंग होती है, उनका वजन पूछा गया है इसमें। 400 ग्राम, 350 ग्राम, 600 ग्राम, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, और आपके लिए होम क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है वुमेन आपका इसमें पूछा गया है, और आपको मैन का कितना जेवलिन का भार होता है ये आपको बताना है। और आपको साथ में एक क्वेश्चन और दिया जाता है, पुरुषों के वर्ग शॉर्ट फुट का वजन हमने बता दिया है, और आपको वुमन शॉर्ट फुट का वेट कितना होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका आंसर है जो महिला वर्ग की जेवलिन का वजन होता है वो होता है 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ मैन हैमर, पुरुष वर्ग में हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? 8 kg, 6.25 kg, 7.260 kg, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है 7.26 kg, सेम होता है शॉर्ट फुट का और हैमर थ्रो का वजन, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम वेट ऑफ पोल वॉल्ट क्रॉस बार सेल बी, पोल वॉल्ट क्रॉस बार का अधिकतम वजन कितना होता है? आपने देखा होगा पोल वॉल्ट जंप, जो एक बांस के सहारे कूदा जाता है, एक पोल के सहारे कूदा जाता है, उसको हम पोल वॉल्ट जंप बोलते हैं। एक होता है हाई जंप, जो हम खुद अपने बॉडी से जंप लेकर कूदते हैं, लेकिन उसमें हम पोल की सहायता से जंप करते हैं, इसलिए हम उसको पोल वॉल्ट जंप बोलते हैं। 2.60 kg, 2.25 kg, 3 kg, 2.5 kg, इनमें से आपको बताना है ज़्यादा से ज़्यादा कितना वज़न होता है। तो आपका आंसर है 2.25 kg होता है, जो उसके ऊपर बार होती है, जो बार वो होती है जिसको हम क्रॉस करते हैं जंप करके, हाइट में आके जो ऊपर लगी होती है उसको क्रॉस करते हैं, उसको हम क्रॉस बार बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन एप्टेथलैंड, एप्टेथलैंड में कितनी स्पर्धाएं होते हैं, कितने खेल होते हैं एप्टेथलैंड में, ये आपको बताना है। नंबर 1, 11, 5, 7, 8, जल्दी जल्दी बताएं। तो आपका आंसर है 8, 8 स्पर्धाएं होती हैं एप्टेथलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ डिस्कस थ्रो इन मैन कैटेगरी, पुरुष वर्ग डिस्कस थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है? 64.82 मीटर, 65.92 मीटर, 66.28 मीटर, 64 मीटर। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दें। और आपको मैं बता दूं, जो डिस्कस थ्रो का रिकॉर्ड है वो हमारे विकास गौड़ा सर हैं, उनका रिकॉर्ड है। काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तक किसी ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया है, तोड़ा नहीं है। तो आपका आंसर है 66.28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉन 800 मीटर रेस इन लास्ट एशियन गेम, पिछले एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ स्पर्धा किसने जीती थी? जिनसन ने, अविनाश ने, नीरज ने, मनजीत सिंह ने, जल्दी जल्दी बताएं। आपका आंसर है मनजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉन द मेडल इन IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर इंडिया, भारत के लिए IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक किसने जीता था? पीटी उषा ने, अंजू बॉबी जॉर्ज ने, मनजीत कौर ने, नन ऑफ दिस, किसी ने नहीं। जल्दी जल्दी बताएं। आपका आंसर है
अंजू बॉबी जॉर्ज है, उन्होंने हमारे लिए पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फाउल स्टार्ट आर अलाउड इन 400 मीटर अडल्ट्स। 400 मीटर पादा दौड़ में कितने फाउल स्टार्ट की अनुमति है? 2, 4, 0, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके स्टार्ट हैं, एक भी फाउल स्टार्ट आपको खेल से बाहर कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर है 0। सेकेंड डे इवेंट ऑफ डेकैथलॉन आर, जो आपको पता है डेकैथलॉन, ये इसमें 10 इवेंट होते हैं। डेकैथलॉन के दूसरे दिन की स्पर्धाएं आपको बतानी है। 110 मीटर हर्डल, डिस्कस, पोल वॉल्ट, जेवलिंग, 1500 मीटर, 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट, 400 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस, पोल वॉल्ट, 1500 मीटर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर दें। डेकैथलॉन के दूसरे दिन की स्पर्धाएँ कौन सी हैं? तो आपका आंसर है 110 मीटर हर्डल, डिस्कस, पोल वॉल्ट, जेवलिंग, 1500 मीटर होती हैं, ये दूसरे दिन की स्पर्धाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका, द जेवलिंग कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। जेवलिंग के 3 मुख्य भाग होते हैं, इनमें से कौन सा सही है? शिफ्ट, एड, क्रोड, ग्रिफ, रैक, रोड, टेल, हेड, टेल, रॉक, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ठीक है? जल्दी जल्दी बताओ। आपका आंसर है शिफ्ट, हेड, कोड, ग्रिफ। सॉफ्ट, हेड, कोड, ग्रिफ। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट फुट डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, शॉर्ट फुट सर्कल का इनर डायमीटर कितना होना चाहिए? 2.35 मीटर, 2.65 मीटर, 2.135 मीटर, 2.26 मीटर। जल्दी जल्दी बताएं। आपका आंसर है 2.135 मीटर डायमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी रनर्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर 200 मीटर फाइनल। 200 मीटर फाइनल के लिए कितने धावकों का चयन कर सकते हैं हम? 6, 8, 12, 10। जल्दी जल्दी आप आंसर बताएं। आपका आंसर है 8। 8 लाइन का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, और हम 8 लाइन में जितने धावक आते हैं, 8 आते हैं, सबको पता है। 1 लाइन में एक धावक को खड़ा किया जाता है, भागने का मौका दिया जाता है, तो हम 8 ही धावक को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर इन मैन कैटेगरी। पुरुष वर्ग में 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है? 10, 10 सेकेंड, 10.1 सेकेंड, 10.5 सेकेंड, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपके इंडिया का रिकॉर्ड पूछा गया है, नन ऑफ दी जिन में से कोई नहीं है इंडिया का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रिलेटिव वर्ड फॉर लॉन्ग जंप। लंबी कूद के लिए संबंधित शब्द को टिक करें। रॉक, हैंग, ग्लाइड, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर है हैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इम्पल्स स्ट्राइड इज रिलेटेड टू। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट फुट, 400 मीटर या जेवलिन। शब्द इम्पल्स स्ट्राइड किस से संबंधित है, कौन से इवेंट से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर है जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है, श्रीराम सिंह वोन द गोल्ड मेडल इन 1978 एशियन गेम। श्री राम सिंह ने 1978 एशियाई खेलों में खालिस्तान में स्वर्ण पदक जीता था। 800 मीटर में, 5000 मीटर में, 4000 मीटर में, 1500 मीटर में, कौन सी रेस में श्री राम ने मेडल जीता था स्वर्ण पदक वो भी? तो आपका आंसर है 800 मीटर, जो रेस है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, द टर्म रॉक बैक इज रिलेटेड टू। शब्द रॉक बैक किससे संबंधित है? हाई जंप, अडल्ट, पोल वॉल्ट, नन ऑफ दीज। तो आप है पोल वॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ लॉन्ग जंप इन वुमेन कैटेगरी। लड़कियों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना है लॉन्ग जंप में? 6.82 मीटर, 6.92 मीटर, 6.85 मीटर, 6.83 मीटर। जल्दी जल्दी बताएं। तो आपका आंसर है
6.83 मीटर। नेक्स्ट है, हाउ मच इन द लेंथ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड ऑफ लॉन्ग जंप, लंबी कूद के बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? 1.22 मीटर, 1.27 मीटर, 1.11 मीटर, 1.20 मीटर। तो जो लंबाई होती है वो होती है 1.22 मीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड, 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड क्या है? 9.62 सेकेंड, 9.67 सेकेंड, 9.58 सेकेंड, 9.85 सेकेंड। जल्दी जल्दी बताइए, जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर का वो उसेन बोल्ट के नाम है, जमैका के रहने वाले हैं वो, तो उन्होंने बनाया है 9.58 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी रनर कैन बी सिलेक्टेड फॉर 400 मीटर अडल्ट फाइनल, 400 मीटर बाद दौड़ फाइनल के लिए कितने धावकों का चयन किया जा सकता है? 6, 8, 12, 10। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, फाइनल्स के लिए सिर्फ 8 धावक होते हैं, 8 प्लेयर होते हैं, उनका चयन किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस मैराथन रेस, मैराथन दौड़ में कुल दूरी कितनी होती है? 42.295 किलोमीटर, 42.172 किलोमीटर, 42.188 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 42.195 मीटर किलोमीटर। नेक्स्ट आपका, द टर्म डबल स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू, शब्द डबल स्पोर्ट्स किससे संबंधित है? 800 मीटर से, मैराथन से, 100 मीटर से, रेस वॉक से? जल्दी जल्दी बताएं अपना आंसर। तो आपका आंसर है रेस वॉक है, उसमें डबल स्पोर्ट्स का शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप फॉर वुमेन, महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है, इंडिया रिकॉर्ड क्या है आपका? 1.82 मीटर, 1.92 मीटर, 1.85 मीटर, 1.87 मीटर। तो आपका आंसर है 1.92 मीटर। नेक्स्ट है, ये आपके 25 क्वेश्चन हैं, जो आपके 25 क्वेश्चन आपके गेम से संबंधित हैं, वे पूछे जाएंगे आपसे, जैसे जनरल नॉलेज के 10, कंप्यूटर के 5 और आपके गेम के 25। 25 क्वेश्चन हैं, अभी आगे और भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रीजनिंग का, जो रीजनिंग होती है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। 49। एक क्वेश्चन का टाइम सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना है, 1 मिनट के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आगे निकल जाएगा। 2525, 2549, खालिस्तान 1211, 1169, इनको कैसे आपको रीजनिंग में कैसे सोल्व करते हैं, जो ट्रिक होती हैं उनसे आपको इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 49125, 49121, जो आपकी 4th नंबर पर ऑप्शन है वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है, बक्से बाएं से दाएं एक क्रम में चलते हैं, उत्तर समूह से एक आकृति का चयन करें, जो समस्या समूह में दी गई है श्रृंखला के समान जारी रहेगी। तो आपको इस आकृति को देखकर अपना ऑप्शन ठीक करना है, सेम आकृति कौन सी है। जैसे जैसे आकृति दी गई है उनके बाद भी सेम आकृति आएगी। तो आपका आंसर है ऑप्शन आईडी, जो करेक्ट आईडी है 1215, जो 3rd नंबर पर ऑप्शन में है वो आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ द टाइमिंग ने क्लॉक 7 आवर 15, देन व्हाट टाइम डज इज शो ऑन द मिरर, यदि घड़ी में एक समय में 7 बजकर 15 मिनट है तो दर्पण में यह कितना समय दिखाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, ये तो आपको आता होगा, 4 आवर 50 मिनट्स, 4 आवर 40 मिनट्स, 4 आवर 35 मिनट्स, 4 आवर 45 मिनट्स।
तो आपका आंसर है 4 आवर 45 मिनट्स। नेक्स्ट है, 5 पर्सन अमित बलराम चेतन दीपक एंड ईश्वर आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नाउ टू दैम। ओनली दीपक इज सिटिंग बिटवीन अमित एंड बलराम। टू, नेदर अमित नॉट बलराम इज एट द एंड चेतन इज सिटिंग ऑन द टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बलराम हु इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे 10। उसके बाद आपका टॉपिक है सेक्शन लैंग्वेज एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। जो आपके गेम से संबंधित है वो तो आपको सब ही क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन इनके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और लैंग्वेज कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन और रीजनिंग जैसे भी क्वेश्चन है वे भी आपको आने चाहिए, जिससे आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होगा। और इन जैसे आप दे सकते हो, दस क्वेश्चन आएंगे ये भी। उसके बाद सेक्शन टू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो पैराग्राफ आएगा उसमें से आपको क्वेश्चन में से आपको टॉपिक उठा के सोल्व करना है कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा पैराग्राफ में से। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करना, जहाँ का आपको एड्रेस अच्छा लगे उस एड्रेस को आप फिल करना। उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, किस दिन होगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और आपके एड्रेस जो आपने दिए हैं 2 या 3 उस जगह पर आपको सेंटर मिलेगा। उसके बाद आपको अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, NTA के द्वारा होता है। उसके बाद आपकी लिस्ट लगेगी जहाँ आपका नाम आएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, 10 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसमें भी आपको 6 नंबर लेने होते हैं, मार्क्स लेने होते हैं। उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में जाकर नाम आएगा। ऐसी स्पोर्ट्स वीडियो रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।